चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की मोटी चादर बिछी हो, तापमान शून्य से नीचे हो, ऐसे में कोई घर से बाहर निकलना शायद ही पसंद करेगा। लेकिन उत्तरी कश्मीर में LOC के साथ सटे गुरेज सेक्टर में ऐसा नहीं है। भीषण ठंड में भी यहाँ दिन में कोई घर में नहीं बैठता, बल्कि स्नो क्रिकेट का आनंद लेने के लिए बर्फ से ढके मैदान में पहुंच जाता है। इंटरनेट मीडिया पर स्नो क्रिकेट के वायरल होते वीडियो दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। समुद्र तल से करीब 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुरेज में इन दिनों स्नो क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। सेना के सहयोग से स्थानीय युवा बीते 4 साल से सर्दी में इसका आयोजन कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता गुरेज में विंटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाओं की तरफ ध्यान दिलाने के लिए स्थानीय युवाओं ने शुरू की है। मरकूट, अच्छूरा, बकतूर व उसके साथ सटे प्रत्येक गांव ने स्नो क्रिकेट के लिए अपनी टीम तैयार की है। मरकूट गांव में जारी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण बर्फ में ही मीलों पैदल चलकर आते हैं। जब कोई विकेट गिरता है या बल्लेबाज दमदार शॉट लगाता है तो सीढ़ियों और तालियों की आवाज गूंज उठती है। जो आज यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से आज यहाँ पे जो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकार किया गया, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट हर जगह पे मुनद किए जाए, और जो आज गुरेज में अभी हो रहा अच्छी जो युवा है वो सपोर्ट्स की और बढ़ रहे। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, सुनो क्रिकेट टूर्नामेंट गुरेज में खेला जा रहा है। इंडियन आर्मी की ओर से हमारी गुजारिश है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, LG साहब से, कि यहां पर विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए, यानी विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए। जिस तरीके से गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, गुरेज में भी किया जाए। Thank you.